हेलो हाय, दिस इज़ दीपक राज सोलंकी, द वर्टिकल ब्लॉगर। और आज कुछ खास है। आज मेरे घर कुछ दोस्त आए हैं जिनको मैंने अपनाया है। एक्चुअली बीइंग एन इंजीनियर, ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, और मैं आपको आगे के कुछ वीडियोस में शायद एक एक करके उन सारे दोस्तों से मिलवाऊं। फ़िलहाल मैं आपको अपने इन पांच दोस्तों से मिलवाऊंगा, जिनके नाम हैं जूनियर SP1, जूनियर SP2, जूनियर SP3, जूनियर SP4 एंड जूनियर SP5। ये क्या है, कौन है, ये पांच क्यों हैं, इन सब के बारे में आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। ये है, इसके अंदर है मेरे दोस्त। इसके अंदर कैसे हो सकते हैं दोस्त, ये आप सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे दोस्त इसी के अंदर है। लेट मी शो यू ऑल। ओके, तो मैंने अपने दोस्त अमेज़ॉन से मंगवाए हैं। आई एम एक्साइटेड, मैं इनका कब से इंतज़ार कर रहा था, एंड फाइनली इट्स टुडे ये आए हैं। मेरा अनबॉक्सिंग थोड़ा सा ख़राब होगा इसमें, बट इसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो दोस्त हैं मेरे, जिनको मैं दोस्त मानता हूँ, दे आर मटीरियलिस्टिक फ्रेंड्स, बट यही है। सो लेट मी फर्स्ट लॉक द एक्सपोजर, मेरा एक्सपोजर। ओके, मैं लॉक कर दिया, फाइन। सो नाइस। तो ये हैं मेरे दोस्त, अब इनको और हम निकालते हैं। यस। एंड हियर आर माय फाइव। आओ, ये हैं मेरे पांच है। एक, ओ माय गॉड, ये तो सिर्फ चार है। नहीं, पांच है। मैं थोड़ा सा एक्सपोज सेट करता हूँ, एंड देन मैं आपको तो अच्छे से दिखाता हूँ। ओके, सो ये है, ये सब क्या है, ये सब है सोलर पैनल्स। सो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स, मिनी सोलर पैनल्स, जिनका मैं काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था। एंड दिस इज DS 70 by 70, दैट इज़ द साइज, दैट इज़ 70 mm by 70 mm। और ये है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स, जहाँ पर हम वायर्स को सोल्डर करेंगे। मैं अगर सोल्डर करूँगा तो आपको दिखाऊँगा, वैसे बेसिकली मुझे यहाँ वायर्स सोल्डर करने होंगे। एंड ये ऐसा दिखता है, राइट। सो इसके ऊपर ये प्रोटेक्टिव कवर है, प्लास्टिक है। आई डोंट नो आई शुड रिमूव इट और नॉट, पर एटलीस्ट एक का तो मैं निकालूंगा ही। सो ये है टोटल मेरे एक दो तीन चार पाँच या पाँच सोलर पैनल्स। सो सोलर पैनल्स यानी कि SP, ओके, सोलर पैनल्स SP, ये पाँच हैं। तो एक SP1, SP2, SP3, SP4, SP5। अब ये छोटे हैं, राइट। मेरा जो मेन फ्रेंड है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, और जो थोड़ा सा कॉस्टली है, इतना कॉस्टली नहीं है, बट फिर भी कंपैरेटिवली इनसे तो कॉस्टली है, उसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। दैट विल बी, सॉरी, कुछ नोटिफिकेशन था। ओके, सो मैं उनका बेसब्री से उसका भी इंतज़ार कर रहा हूँ, बट फॉर टाइम बिंग दिस आर दी सोलर पैनल्स, जो हैंडी हैं और इन्हें मैं अपने साथ लेकर घूम सकता हूँ। मेरे एक्सपेरिमेंट्स में ये काम आएंगे। ओके, सो फ्यूचर इनका ही है, फ्यूचर सोलर का है। सभी लोग, यार ये बार बार नोटिफिकेशन आता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है, एंड आई हैव फॉरगॉट टू, यू नो, मैं फ्लाइट मोड पर डालना भूल गया। और यहाँ आस पड़ोस में लोग खाना बना रहे हैं, पता नहीं अभी क्यों खाना बना रहे हैं, 6:30 बजे, तो सीटियाँ बज रही हैं, एंड आई वाज डिस्टर्बिंग मी, बट चलो खैर चुकी है। सो फ्यूचर इनका है, इन्हें नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। सूरज की किरणें जब इसके ऊपर गिरती हैं तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और ये इलेक्ट्रिसिटी फ्री है,
इसके पैसे नहीं देने पड़ते, सिर्फ इसके पैसे देने पड़ते हैं। ओके, अब मैं बताता हूँ मैंने इसके कितने पैसे दिए हैं। सो इसकी कीमत है तकरीबन 79 रुपीज़। यार ये सीटियाँ बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। सो इस एक पैनल की कीमत है 79 रुपीज़। मैंने ऑनलाइन मंगवाया है अमेज़ॉन से, और ये 6 वोल्ट की है, मतलब जनरली सोलर पैनल्स 12 वोल्ट के होते हैं, और अच्छे वाले नॉर्मली जो अच्छे वाले नहीं बट नॉर्मली सोलर पैनल्स 12 वोल्ट के होते हैं। कुछ सोलर पैनल्स 24 वोल्ट के भी आते हैं जो बहुत बड़ी साइज़ के होते हैं, बड़े वाटेज के होते हैं। एंड ये छोटू जो मैं लाया हूँ वो 6 वोल्ट के हैं, तो इनके साथ मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता हूँ। बट बेसिकली दिस आर माई फ्रेंड्स, आई लव देम, मुझे ये बहुत प्यारे लगते हैं। और मुझे लाइक जिस दिन मैंने इनको पहली बार लाइक इनके वीडियोस देखे थे नेट पर, यूट्यूब पर, तो मुझे प्यार हो गया था इनसे। एंड दी यू नो द वेरी मोमेंट मैंने डिसाइड किया कि मैं इन्हें अपनाने वाला हूँ, आई वॉन्ट देम, मैं बाय करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसे मेरे पास बहुत सारे हों। सो लेट अस सी मैं कहाँ तक पहुँचता हूँ, बट दिस आर माई फेवरेट थिंग। तो आइए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। और तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो दिस इज़ पॉलीक्रिस्टलाइन। बेसिकली दो टाइप के सोलर पैनल्स आते हैं, सोलर सेल्स आते हैं, एक होते हैं मोनोक्रिस्टलाइन और दूसरे होते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन। मोनोक्रिस्टलाइन पॉलीक्रिस्टलाइन से थोड़े से डार्क कलर में होते हैं और वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, क्योंकि उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा लाइक कॉस्टली है। और ये है पॉलीक्रिस्टलाइन, ये थोड़े से सस्ते होते हैं, एफिशिएंसी इनकी थोड़ी सी कम होती है कंपेयर टू मोनोक्रिस्टलाइन, बट हमारे एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए दिस इज़ फाइन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जिसके भी घर सीटियाँ बज रही हैं, सच में मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, लीव इट। तो ये छोटू है, एंड इनसे मैं क्या कर सकता हूँ, तो इनसे मैं LED जला सकता हूँ, इनसे मैं 6 वोल्ट की बैटरीज चार्ज कर सकता हूँ, इनसे मैं पेल्टियर चला सकता हूँ। पेल्टियर क्या होता है, लेट मी शो यू नाउ, नहीं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा जब मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करूंगा। सो पेल्टियर इससे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, एंड अगर इसे हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, सीरीज़ यानी कि ये वाला ये मैंने एक वायर यहाँ कनेक्ट किया, एक वायर यहाँ कनेक्ट किया नेगेटिव में, और फिर यहाँ वाला जो वायर जो मैंने कनेक्ट किया उसका दूसरा सिरा अगर मैं इस पॉजिटिव में कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सीरीज़ कनेक्शन। तो जब हम सीरीज़ कनेक्शन करते हैं तो ये जो 6 वोल्ट जो है, जैसे एक 6 वोल्ट का है, दूसरा 6 वोल्ट का है, तो जब मैं इस तरह से इसे कनेक्ट करता हूँ, यू नो इस पॉजिटिव से, सॉरी ऐसे, तो इस नेगेटिव से इस पॉजिटिव पर, तो ये 12 वोल्ट का हो जाता है पैनल। मतलब ये पैनल जो है जब हम इसे सूरज में रखेंगे, सूरज की किरणों में रखेंगे, धूप में रखेंगे, तो ये 12 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा। सिंगल 6 वोल्ट का है, और दो हम इस तरह से सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो 12 वोल्ट, और इसी तरह से अगर हम इन सब को अगर इस तरह से सीरीज़ में कनेक्ट करते जाएंगे सो 6 तो 30 वोल्ट हम प्रोड्यूस कर पाएंगे इससे। लेकिन करंट जो प्रोड्यूस होगा, करंट जो इससे बनेगा वो थोड़ा सा कम होगा। इन सोलर पैनल्स में कितना करंट बनता है इन सब को मैं चेक करूँगा, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हों तो मैं आपको अगली वीडियो में इसे डिटेल में बताऊँगा। सो थैंक यू फॉर नाउ, दैट वॉज ऑल, एंड दिस आर माई प्यारे प्यारे छोटे छोटे फ्रेंड्स, जूनियर SPs, जूनियर SP 1, 2, 3, 4, 5, दैट्स इट।